भारत में कुछ नियम लागू होने वाला है। आपको बता दें कि नियम लागू होने से सीधे आपकी ज़िंदगी में असर पड़ेगा। कुछ नियम से आपको फायदा होगा, कुछ नियम से आपका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आप ये नियम के जान लेंगे तो आपके आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जो भी भारत के नागरिक है उन सभी के लिए ये खबर जानना बेहद ही जरूरी है। 5 अक्टूबर से बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, होंगे ये बदलाव। DLORC को लेकर फिलहाल हर राज्य में अपने अपने मुताबिक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस व्यवस्था में दिक्कत है। परेशानी यह है कि किसी राज्य में इन जानकारियों शुरू से है, किसी राज्य में पीछे है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो जाहिर है कि आपके पास काफ़ी समय से ड्राइविंग लाइसेंस होंगे। आपको बता दें कि आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस आने वाले चंद महीने में बदल जाएगा। आपको बता दें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आने वाले चंद महीने में बदल जाएगा। दरअसल सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नियम बदलाव करने जा रही है। ये नियम इस साल 1 अक्टूबर से चालू हो जाएगा। जब DL और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC दोनों एक जैसे होगा, यानी हर राज्य में DL और RC का रंग समान होगा। इसके लेकर सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस से बदलाव होने से आपको कुछ सहूलियत भी होगी। जानकारी के मुताबिक DL और RC की अधिकतम लागत 50 से 20 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। DL और RC को लेकर फिलहाल हर राज्य में अपने अपने मुताबिक फॉर्मेट तैयार कर रही है, लेकिन अब तक इस व्यवस्था में दिक्कत है। परेशानी यह है कि किस राज्य में इन पर जानकारियाँ शुरू से है, किस राज्य पर पीछे की तरफ है। राज्य की दूसरी न्यूज, PM आवास योजना के तहत पाइए होम लोन सब्सिडी, 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए वार्षिक आय। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत करोड़ों की संख्या में आम लोगों को अपना घर बनाने के लिए सब्सिडी मिल रही है। अगर आप पहली बार घर बनाने जा रहे हैं तो आपके लिए योजना काफी फायदेमंद होगी। इस योजना के जरिए जरूरतमंद लोगों का घर खरीदने के लिए सब्सिडी के साथ ब्याज दरों में छूट भी मिल रही है। PMAY के फायदे और सब्सिडी लेने के लिए आप अविवाहित व्यक्ति या परिवार के प्रतिनिधि के रूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन वाले के लिए अनुसार इस योजना के फायदे अलग अलग है। योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ शर्त भी रखी गई है। आवेदक के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आवेदक को इसमें पहले से सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधार जरूरी है और आर्थिक रूप में कमजोर श्रेणी यानी EWS में आवेदन करने के लिए आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। LIG श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये होनी चाहिए। MIG 1 श्रेणी में आवेदन करने के लिए आवेदक की वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख के बीच होना चाहिए और LIG 2 में आवेदन करने के लिए आवेदक की वार्षिक आय 18 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी WhatsApp इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम उम्र डिजिटेबल हो सकता है 51। भारत में WhatsApp यूज करने के लिए कम से कम 13 साल की उम्र होनी चाहिए। यानी 13 साल से कम उम्र बच्चा WhatsApp के लिए रजिस्ट्रेशन या इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि WhatsApp की कस्टमर सपोर्ट वेबसाइट whatsapp.com पर दी गई जानकारी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के देशों में WhatsApp इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 16 साल होना जरूरी है। इसके अलावा पूरी दुनिया में WhatsApp इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 13 साल की उम्र होनी चाहिए। WhatsApp के मुताबिक गलत जानकारी देकर WhatsApp अकाउंट खोलने का शर्त उल्लंघन माना जाएगा। इसी तरह अगर कोई बड़ा व्यक्ति किसी कम उम्र वाले बच्चे की तरह अकाउंट बनाता है तो उसे भी शर्त का उल्लंघन माना जाएगा। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और रोजाना की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।